तो यार यही आईटी का सबसे डार्क साइड है यार, आप बोल सकते हो। और आई थिंक हर वो आईटी का बंदा यही प्रे कर रहा हो कि सब कुछ जल्दी से नॉर्मल हो जाए। हेलो एवरीवन, इट्स मी अमृत आनंद। तो कैसे हो आप लोग? तो यार आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आप बोल सकते हो मार्केट का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है यार ये। मतलब जो भी लड़का या फिर जो भी आप बोल सकते हो इम्प्लॉय एज ए कॉर्पोरेट फील्ड में जॉब कर रहा है, एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर रहा है यार, वो हर बंदा आज के टाइम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहा होगा, इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा होगा, इस टॉपिक के ऊपर जानने की चाह होगी कि आखिरकार चल क्या रहा है, हो क्या रहा है और ये कब तक चलने वाला है। तो यार जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ले ऑफ इन इंडिया इन 2023। इस साल ले ऑफ को लेकर क्या होने वाला है, बिकॉज यू नो कि कब तक ये चलने वाला है यार। बहुत एक आप बोल सकते हो कि आईटी सेक्टर का सबसे डार्क साइड ये स्टार्ट हुआ है यार, ले ऑफ का जो पार्ट है जो अभी स्टार्ट हुआ है इंडिया में भी अभी स्टार्ट हो चुका है। तो इसको लेकर के हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। एंड टॉप हायरिंग इन 2023, 2023 में यार टॉप हायरिंग कहाँ कहाँ से स्टार्ट होने वाली है, कब स्टार्ट होने वाली है, बिकॉज यू नो कि सब कुछ बंद हो चुका है, सब कुछ फ्रीज हो चुका है। तो कब स्टार्ट होने वाला है, कहां स्टार्ट होने वाला है, तो इन दोनों टॉपिक को यार हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, जितना मुझे पता है, जितना मैंने एक्सपीरियंस करा हुआ है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो यार इस वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो यार, ताकि ऐसे वीडियोज के लिए आपको हमेशा अपडेट मिलती रहे। ओके, तो फिर आप स्टार्ट करते हैं। तो यार फर्स्टली मैं ले ऑफ क्या होता है ये बता देता हूँ जिनको नहीं पता है। तो ले ऑफ मीन्स यार आप कहीं पे काम कर रहे हो, किसी कॉर्पोरेट फील्ड में काम कर रहे हो या फिर किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपको बिना बताए आपको फायर कर दिया जाए, आपको निकाल दिया जाए, और आपको किसी मेल के थ्रू पता चले कि हाँ मुझे निकाल दिया गया है, या फिर आपको आपको कुछ दिनों बाद ये पता चलता है कि आपको निकाल दिया गया है, तो ऐसे केसेस को यार ले ऑफ बोलते हैं। मतलब आपको कंपनी से फायर कर दिया गया है, तो वो यू नो कि ऑलरेडी लाइक ले ऑफ स्टार्ट हो चुका था 2022 के नवंबर दिसंबर में ही है। और बट उस समय यार इंडिया में नहीं हो रहे थे, मतलब मैं बोलूँ तो ना के बराबर थे इंडिया में ले ऑफ उस टाइम। उस टाइम जो लोग ले ऑफ हो रहे थे वो फॉरेन लोकेशंस में हो रहे थे, लाइक यूएसए एंड लंडन, इन सब जगहों पे हो रहे थे, फॉरेन लोकेशंस में हो रहे थे। बट यार करंटली इंडिया में भी स्टार्ट हो चुका है यार ले ऑफ। यहाँ भी बहुत बुरी तरीके से फायर कर रहे हैं, ले ऑफ करना स्टार्ट कर दिए हैं। मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा लाइक डिटेल में कि क्या क्या चीजें कहाँ हो रही हैं, किस कंपनी में कितना ले ऑफ हो रहा है, सब कुछ मैं बताता हूँ आपको इस वीडियो में। मैं यार यदि आपको थोड़ा सा इकोनॉमी के बारे में यदि बताऊं तो IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने यार वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी कम होने की वार्निंग दी है, जिसकी वजह से यार इन्फ्लेशन बहुत बुरी तरीके से आ रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड में। IMF के यार एग्जीक्यूटिव ने बताया है कि जो ये वर्ल्ड इकोनॉमी है यार ये लाइक 2026 तक $4 ट्रिलियन यानी कि 3.30 लाख अरब रुपए के रिकॉर्ड डिग्रोथ तक पहुंचा गया 2026 तक। अब सोच लो क्या हो सकता है, ये कब खत्म होने वाला है, नो वन, कोई नहीं जानता यार। यार आप सोचो कि चाइना, अमेरिका लाइक यूरोप जैसी डेवलपिंग कंट्री का ये कंडीशन हो चुका है यार, वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुई है, तो सोचो कि इंडिया का क्या कंडीशन हो सकता है। तो यार हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यू नो कि ऑलरेडी इंडिया में भी ले ऑफ स्टार्ट हो चुका है यार न्यू ईयर से 2023 से, और बहुत बुरी तरीके से लाइक ले ऑफ हो रहे हैं यार। और मैं यदि बताऊं तो करंटली यार अमेजोन ने काफी लाइक इम्प्लॉय को फायर किया यार, और मैं आपको न्यूज के लाइक न्यूज हेडलाइंस आपको ऐड करूंगा इस वीडियो में, आप देख सकते हो। और लाइक उन्होंने ये भी बोला यार कि वो 5 मंथ्स तक की सैलरी प्रोवाइड करेंगे आफ्टर लीविंग जॉब, जॉब छूटने के बाद यार 5 मंथ तक की सैलरी वो लोग देंगे। ऑलरेडी यार 3 मंथ्स तो नोटिस पीरियड सबका होता है, आई थिंक हर कंपनी का 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड होता है, बट वो 2 मंथ्स एक्स्ट्रा देने वाले हैं यार, 2 मंथ्स एक्स्ट्रा लाइक सैलरी प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने बोला हुआ है। और जो इम्प्लॉय को फायर किए हैं यार उनको वो लोग ईमेल करके इन्फॉर्म कर रहे हैं। ये क्या बात हुई यार, यार आप लोग जब हायरिंग करते हो तो 5 से 6 राउंड लेते हो, इतने भयानक भयानक राउंड लेते हो यार आप, और फायर करते टाइम में एक 1-to-1 कन्वर्सेशन भी नीडेड नहीं है। वाह जी वाह, मतलब क्या चल रहा है, ये हायरिंग के टाइम में 5-6 राउंड 7 राउंड लेते हो आप लोग, और फायरिंग के टाइम में एक 1-to-1 कन्वर्सेशन भी नहीं, उनको बताना भी नहीं है, ईमेल के थ्रू आप लोग बता रहे हैं। तो आई थिंक ये कहीं से भी सही मुझे तो नहीं लग रहा है कहीं से भी, कि एटलीस्ट आपको इन्फॉर्म करना, उस एम्प्लॉय को इन्फॉर्म करना कि उससे बात करना, 1-to-1 कन्वर्सेशन बहुत जरूरी है एटलीस्ट उसको फायर करने से पहले।
तो यार यही आईटी का सबसे डार्क साइड है यार, आप बोल सकते हो। और आई थिंक हर वो आईटी का बंदा यही प्रे कर रहा हो कि सब कुछ जल्दी से नॉर्मल हो जाए, ये जो चल रहा है यार, ये सब कुछ खत्म हो करके चीजें बैक टू नॉर्मल हो जाए, फिर से वो हायरिंग स्टार्ट हो जाए यार, जो चीजें रुकी हुई है। वन मोर थिंग कि जो अमेजोन के सीईओ हैं, उन्होंने बोला यार कि हम लोगों ने पेंडेमिक के टाइम में, जो कोविड चल रहा था उस टाइम यार, हम लोगों ने हायरिंग बहुत ज्यादा कर ली थी इस वजह से, लाइक इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम लोग अब फायर कर रहे हैं, हम लोग बंदों को निकाल रहे हैं। यार ये कहाँ से सही है, ये कैसी लीडरशिप है? मतलब जो बंदा हायर किया है, जो बंदा ये लीडरशिप दिखाया है यार, उसकी गलती जो है उसकी वजह से यार आज इम्प्लॉय को भुगतना पड़ रहा है, आज वो इम्प्लॉय को फायर कर रहे हैं। तो यार ये तो मतलब उस लीडरशिप की प्रॉब्लम है ना यार, वहां पे लीडरशिप अच्छे से नहीं हुआ। रिसेंटली मैं बताऊं तो कल का ही न्यूज है यार, रिसेंटली गोल्डमैन सैक्स ने यार फायर किया है, 3,000 एम्प्लॉय को यार फायर किया हुआ है। और लाइक फेसबुक कंपनी जो मेटा यार, वो उन्होंने कंफर्म करा हुआ है कि 2023 में यार पूरी हायरिंग स्लो रहेगी, पूरी हायरिंग यार जो हो रही थी बहुत फास्ट हायरिंग हो रही थी यार, वो स्लो रहेगी, बिल्कुल स्लो रहेगी। क्या है भी, आप देख रहे होगे यार लिंक्डइन पे, नौकरी पे आप देख रहे हो कि हायरिंग बिल्कुल स्लो है, फ्रीज हो चुकी है हायरिंग बिल्कुल। तो मेटा ने भी यार एक कंफर्म किया हुआ है, इसलिए यार प्लीज ऐसा वैसा कुछ भी प्लान मत करो इस टाइम, कुछ भी जॉब स्विच वगैरह का प्लान मत करो, जहां पे हो यार वहीं पे रहो, अच्छे से काम करो यार सब लोग, और अपना लाइक 100% दो अपने ऑफिस वर्क में, और साथ ही साथ यार पढ़ाई भी करते रहो, बिकॉज गॉड ना करे यार, भगवान ना करे, बट ऐसा वैसा कुछ भी आपके साथ हुआ है, किसी के साथ हुआ, तो एटलीस्ट वो इतना कैपेबल रहे कि वो नई जॉब तुरंत ग्रैब कर पाए। तो साथ ही साथ पढ़ना भी है यार, अपने स्किल को ब्रशअप करते रहना है, और अपना ऑफिस में भी 100% देना है, अपने काम में भी 100% देना है, बिकॉज लाइक दिस इज नॉट गुड टाइम कि आप स्विच करने का सोचो या फिर कुछ भी ऐसा वैसा सोचो। तो आई थिंक दिस इज नॉट अ गुड टाइम यार, तो अपना 100% दो अपने ऑफिस में, और अपना पढ़ाई भी यार आई थिंक करते रहना चाहिए। तो दैट्स ऑल यार, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और प्लीज वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी बहुत सारी नई नई वीडियोज आने वाली है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय।